आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है, उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए उसको मत बोलिए कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, दलित दलित होगा, वो हायरार्की पे खड़ा होगा। इसका मतलब उसका संविधान भारतीय संविधान नहीं मनुवाद होगा, उसका संविधान मनुस्मृति होगा, हम इसलिए उसका विरोध करना चाहते हैं। और आपके सब्सिडी का पैसे की जो बात है उसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सही जगह खर्च हो रही है, गलत जगह तो वो है जहां 5 लाख का लोग सूट पहन करके फ्लाइट मोड में अनवरत रहते हैं, और मोदी जी के पास तो 56 इंच का सीना है। उस 56 इंच के सीने के खिलाफ 12 इंच के सीने के साथ डटकर खड़ा हो जाए, इससे ज्यादा सब्सिडी की यूज क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है, और मैं तो मानता हूं कि मोदी जी युवा नहीं है। 55 करोड़ लोगों का नेता मोदी जी कैसे हो सकते हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है? आप हमारे नेता हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान लोग हैं, और इस मुल्क के अंदर जो हम झेल रहे हैं उसको झेलते हुए हम इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आने वाली नस्ल इसको नहीं झेलेगी। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है, हिंदुस्तान के अंदर जो संघिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है उसके खिलाफ लड़ाई छिड़ी है, और ये लड़ाई संघिस्तान वर्सेज हिंदुस्तान की लड़ाई है, और हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, और जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है इनको। इसीलिए पहले जो काम ये बस्तर में किया करते थे, पहले जो काम ये बिहार के गांव में किया करते थे, आज वो काम ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं। मेरे नजर में नारेबाजी करना जो राष्ट्र के खिलाफ है वो गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या नारेबाजी करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन इस देश के अंदर पार्लियामेंट में बैठकर लोगों के हक को मारने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कैंपस के अंदर जो प्रायोजित हिंसा की जा रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, और आज इस देश के अंदर कैंपसों को रण क्षेत्र में बदला जा रहा है। मैं कंडेम करना चाहता हूं यहां से, स्मृति जी ने हमसे पूछ करके हमारा वजीफा बंद कर दिया था, और सबको मौका नहीं मिलता जेएनयू और एचसीयू में पढ़ने का और स्मृति जी का आशीर्वाद पाने का। मेरा नाम कन्हैया है, मैं एक बार सोच रहा था हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, तो कन्हैया की 2 माँ थी, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला। इत्तफाक से मेरी भी आजकल 2 माँ हो गई है, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला है, और दूसरा जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि मैं माँ हूं। माँ जी आप दौड़ करके एनआईटी श्रीनगर चली गई, आपके आवास के बिल्कुल बगल में जेएनयू था, एक बार आ जाते मिलने के लिए। और हमको लगता है इस देश के अंदर अगर आपको फ्रीलांस गोडसे से बचना है तो अंबेडकर और गांधी की बात करना पड़ेगा, और आपको गांधी की तरह जान देना पड़ेगा। राजनीति आप करते हैं, हम आपकी गंदी राजनीति का विरोध करते हैं। आप गलत राजनीति कीजिए, हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे।